हमने जो प्रॉपर्टी की थी कि टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एंगल उनके बीच में 90 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी कॉस 90 आंसर आएगा 0। तो प्रॉपर्टी याद रखना, अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो एंगल उनके बीच में क्या होना चाहिए, 90। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा उनका, 0। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये वेक्टर्स गिवन है, आपको प्रूव करना है कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमने क्या रूल किया, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लें, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में ये 90 करेक्शन करें, अगर एंगल 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो आप क्या करें, ए वेक्टर में ए वेक्टर, बी वेक्टर में बी वेक्टर पुट कर दें, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में हम निकालेंगे ए बी कॉस थीटा। अब आप यहां से ए का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, आप यहां से बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एंगल तो पता ही नहीं, वो तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 90 है, तो आप फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा मत लगाना, आप क्या लगाना, सिर्फ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, डॉट बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, सिंपल। फिर आई वाली टर्म को आई से, जे वाली टर्म को जे से, के वाली टर्म को के से, तो क्या आएगा, 2 -1 -1, नेट आंसर इज 0। तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो कैसे प्रूव करने समझ में आ रहा है, जैसे अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए वेक्टर के सारे कोफिशिएंट्स आपको गिवन है, बी वेक्टर के सारे कोफिशिएंट्स गिवन है, जे का कोफिशिएंट सी है, और क्वेश्चन है ये गिवन है कि दोनों वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हैं, दे आर परपेंडिकुलर, इफ दे आर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो 2 यहां पर -c -18 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -16। तो कैसे क्वेश्चन करना समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, तो आपको फॉर्मूला रजिस्टर में पहली प्रॉपर्टी लिखनी है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या लिखें फॉर्मूला रजिस्टर में लिखें जो मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लिखें, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल गिव आंसर 0। ये पहली प्रॉपर्टी लिखें, ताकि जब रिवीजन करेंगे फॉर्मूलाज में एटलीस्ट ये फॉर्मूला मिस ना हो जाए। तो फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर 0। और दूसरी प्रॉपर्टी लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन है और आपको उनके बीच में एंगल निकालना है, तो आप एक काम करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखें ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। तो कॉस थीटा एक तरफ, ए बी नीचे चला गया, तो नेक्स्ट फॉर्मूला ये लिखें प्लीज, ये फॉर्मूला लिखें, कॉस थीटा अगर आपको निकालना है या अगर आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर्स का, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो दोनों प्रॉपर्टीज को फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, ठीक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर आई जे के में गिवन है, बी वेक्टर आई जे के में गिवन है, आपको इसमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। तो ए वेक्टर की जगह ये पूरा ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह ये पूरा बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट लो, आई को आई के साथ -1, जे को जे के साथ 2, और के को के साथ 2, इसकी जगह √6, इसकी जगह √6 √6 √6 6, आंसर आ गया 1/2। कॉस थीटा अगर 1/2 है तो थीटा क्या होगा इसमें, 60 डिग्री।
तो कैसे ढूंढना एंगल क्लियर है, तो ढूंढे एंगल क्या होगा, चेक करते हैं एंटी, तो आपको एंगल निकालना है इनके बीच में, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया कि कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। तो जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर एंड वन का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर। जब न्यूमिनेटर करेंगे तो i को i के साथ तो माइनस वन, j को j के साथ तो माइनस वन, k को k के साथ तो टू। साफ पता लग रहा है न्यूमिनेटर जीरो है तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर cos थीटा जीरो है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 90 डिग्री, आंसर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब कोई स्टूडेंट ये पूछ रहा था बाई चांस ये तो चलो अच्छे एंगल आ रहे हैं 90 डिग्री 60 डिग्री, अगर मान लो सॉल्व करके कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/3, अब क्या करूं मैं? तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, और कोई तरीका ही नहीं है, अब एंगल तो निकाल पाएंगे नहीं तो कॉस इनवर्स 1/3 छोड़ देंगे। यही तरीका था एंगल लिखने का जब एंगल ना पता हो। क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, कितना आंसर है? अच्छा चेक करो, क्वेश्चन है इफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहली बात तो उसने ए वेक्टर बी वेक्टर पे कैलकुलेशन करने को कहा नहीं, उसने कहा इनका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इनका? क्या करूं रिजल्टेंट वेक्टर के लिए? इन दोनों वेक्टर्स को अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर तो आर वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर। तो जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 है, इसका मान लो जो भी है उसको ऐड कर दें, ऐसा। कितने लोग कहते हैं हाँ, कह रहे हैं कुछ, हाँ तो कर ही रहे हैं, अभी भी हाँ कर रहे हैं, अभी भी हट नहीं रहे। ठीक है, क्या करें फिर इसमें? I को I में, J को J में, K को K में। भाई ऐसे ऐड नहीं, अगर ऐसे ही ऐड करना होता है ए प्लस बी दो प्लस चार छः होता है, फिर ये तीन लेक्चर क्यों लगाने थे, फिर तो आता ही है घर से करके आते, तो नहीं कर सकते इसमें ऐड। तो ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है एज इट इज, ये पूरे का पूरा वेक्टर यहाँ पुट करें एज इट इज, बी वेक्टर पूरे का पूरा यहाँ पुट करें, तो I वाली टर्म I में तो क्या आएगा 8, I कैप 7, J कैप 7, J कैप 9, K कैप, क्या ये पॉइंट क्लियर है? R वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद
एक्स एक्सिस, तो वो कह रहा है ये आर वेक्टर है कोई भी, मान लो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा। अब ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है बाय डिफॉल्ट, आई कैप। तो एक वेक्टर उसने दे दिया आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, और दूसरा वेक्टर किसके साथ एंगल बनाना है, एक्स एक्सिस। और जब भी एक्स एक्सिस की बात करेगा तो बाय डिफॉल्ट वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप। तो आई कैप का मतलब जो सेकेंड वेक्टर पी वेक्टर ले लो उसकी वैल्यू क्या होगी, आई कैप। तो आपको एक आर वेक्टर गिवन है, एक आपको मान लो पी वेक्टर गिवन है, आपको दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल। ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, एंगल निकाल लें। कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या की थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, इसमें क्या करेंगे, आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर इनटू पी, वही बात है, दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, और अगर आर वेक्टर पी वेक्टर है तो आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर बाय आर पी। स्टेप समझ में आ रहा है? दो वेक्टर्स हैं, न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में उनका डिनोमिनेटर जो है मैग्नीट्यूड। तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू आर वेक्टर की जगह ये पुट कर दें, 8 आई कैप 7 जे कैप 9 के कैप डॉट पी वेक्टर की जगह आई कैप डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और पी का मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ 1, राइट। अब आई को आई के साथ तो क्या आएगा यहां पर, 8। यहां पर जे और के का कोफिशियंट 0-0 है, तो जे का कोफिशियंट करेंगे 7 इंटू 0 9 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये कितना आ रहा है, 194। तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, 8 अंडर रूट ऑफ 194। तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 8 1, अच्छा कॉस थीटा मांगा है फिर जरूरत नहीं है, ओके। तो कॉस थीटा की वैल्यू मांगी है फिर ठीक है, अगर थीटा मांगा होता तो कॉस इनवर्स 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 194। एक स्टेप और लिख देते, नहीं मांगा तो कॉस थीटा आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें डाउट है, ठीक है, ठीक शाम, समझ में आ रहा है, डाउट है, ओके। नेक्स्ट, प्रूव दैट लेफ्ट और राइट बराबर है, हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को एक चीज का आंसर दें प्लीज, मेरे ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, इसका आंसर दें। अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा, अच्छा ठीक है एक आंसर, दूसरा कोई और छोटा आंसर, अच्छा कितने लोग एग्री करते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, हाँ कि ना, बस यही फर्क है,
रिकॉर्डिंग सुन लेता तो आंसर हाथ खड़ा ना करता, देख तो वो अकेला ऑड मैन आउट है, क्योंकि पिछले लेक्चर में बताया था कि वेक्टर का स्क्वायर कभी होता ही नहीं, तो वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, तो गलती से भी ये काम कभी नहीं करना, ठीक है। तो फिर क्या करना है अगर ये नहीं करना, तो इस केस में आप इसे ओपन करें, डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करें, कैसे, ए वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट, नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही है। नेक्स्ट बी वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और लास्ट बी वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई डाउट इसमें, ओपन कर देना है और बिना डॉट के तो लगाना ही नहीं, डॉट या क्रॉस में से कुछ तो आएगा, रूल क्लियर है। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस 90 की थीटा, थीटा 90 नहीं, हाँ हमने प्रॉपर्टी की है कि अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो 90 है, अदरवाइज हर बार थोड़ी ना 90 है, तो ए बी कॉस थीटा। अच्छा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर में ओपन करो, ए इंटू कॉस ऑफ क्या, थीटा क्या, इसमें थीटा क्या, जीरो, एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल हमेशा जीरो होता है, जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, इसका खुद के ये अगर एक्स एक्सिस की लॉन्ग है और ये भी दूसरा वेक्टर भी इक्वल वेक्टर है, एक्स एक्सिस ये लॉन्ग है, तो ए वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं, तो एंगल उनके बीच में हमेशा जीरो, तो कॉस ऑफ क्या आएगा, जीरो, ए बी कॉस थीटा, पता नहीं क्या एंगल होगा, इसमें क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा, एक ही बात है, इसमें क्या आएगा, बी इंटू कॉस ऑफ जीरो, एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है, जीरो, तो ये टर्म क्या हो गई, कैंसल, और आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक स्टूडेंट बोला सर बात तो वही है, आप अगर ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर करते तो आंसर तो फिर भी वही आ रहा है, चांस की बात है कि सेम आ गया, कल को अगर मैं प्लस कर दूं और तुम कहो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ऐसा कोई रूल नहीं है, चांस की बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो आपने ब्रैकेट ही ओपन करना है और कोई दूसरा तरीका नहीं, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का कोई तरीका ही नहीं है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करें और जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करें, चेक करें राइट हैंड साइड आएगा, करें लेफ्ट का पूरा ब्रैकेट ओपन करें डॉट प्रोडक्ट के साथ, इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं तो ए वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इनटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 3 इनटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 इनटू बी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स इंटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट, क्लियर है यहां तक। अब जब इसे ओपन करेंगे तो टू इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर में ए इंटू कॉस ऑफ जीरो माइनस थ्री ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, फोर इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, सिक्स इंटू बी इंटू बी इंटू कॉस ऑफ जीरो। तो ये क्या बन गया टू ए स्क्वायर, ये क्या बन गया माइनस थ्री ए बी प्लस फोर ए बी प्लस ए बी कॉस थी कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या बन गया माइनस सिक्स बी स्क्वायर। यही प्रूव करना है आंसर। तो कैसे डॉट प्रोडक्ट के ब्रैकेट्स को ओपन करना है समझ में आ रहा है, और कोई तरीका नहीं है, ब्रैकेट ही ओपन करना एक तरीका है, ठीक है यहां तक। ठीक है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। आप एक चीज बताएं मुझे कि अगर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल क्या है थीटा, और मैंने आपको ये कहा कि ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो इस बी वेक्टर पे क्या होगा, तो कंपोनेंट कैसे निकलते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट क्या आएगा ए कॉस थीटा और ए क्या आएगा ए साइन थीटा, दो आएंगे कंपोनेंट। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो जो बी वेक्टर के साथ का कंपोनेंट है ए कॉस थीटा इनटू इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, मतलब इसको इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो ए बी कॉस थीटा। अब कई लोग ये पूछते हैं कि ए बी साइन थीटा क्यों नहीं, अगर आप यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट लें ए साइन थीटा और बी के बीच में एंगल क्या है 90, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो बेसिकली प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन समझते हो, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे ये है। कई लोग इसको कंपोनेंट बोलते हैं, कई लोग इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं और कई लोग इसको शेडो भी बोलते हैं, ऊपर लाइट मारो तो शेडो नीचे गिरेगी और परपेंडिकुलर ऐसे गिरेगी, इसकी शेडो यहां नहीं गिर सकती ऐसे, क्योंकि लाइट अगर सीधी आ रही है तो नीचे गिरेगी, तो कंपोनेंट बोल लो इट्स ओके, ठीक। तो अगर मैं ए कॉस थीटा जो भी इसका प्रोजेक्शन है इसको बी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है ए बी कॉस थीटा, और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है जो हम आने वाले टाइम में करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बी से मल्टीप्लाई किया तो डॉट प्रोडक्ट आता है और वर्टिकल करते हैं तो क्रॉस आता है, हम करेंगे अभी, राइट। चलो इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। चलो मैं ज्योमेट्रिकली समझा रहा था कि कैसे इसको व्यू करते हैं हम, असली चीज क्या है, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर। तो मेरे को क्या करना है, मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे निकालना है, डॉट प्रोडक्ट मेरी हेल्प करेगा इसको निकालने में। अब कैसे, कंपोनेंट निकालने ऑलरेडी हमें आते हैं, कैसे, अगर ये ए बी वेक्टर है तो ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर बी वेक्टर पे निकालना है तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए का थीटा के साथ कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा, तो कंपोनेंट क्या आ गया ए कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन कहां पर है, अलोंग बी वेक्टर। अब कई लोग कहेंगे सर बी वेक्टर तो एक्स एक्सिस है इसमें, आप एक्स लिख लो इसे, ओके। तो मैंने डायग्राम ही चेंज कर दिया, मैंने कहा ऐसा कर ये रहा ए वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, थोड़ा ऊपर को है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे कंपोनेंट
यहां पर ड्रॉ करके बताओ ए वेक्टर का बी वेक्टर पे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो आंसर क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो ये नया वेक्टर आएगा ए कॉस थीटा, राइट, क्लियर है। अब पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट ये है कि हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, हमने भी सेम क्वेश्चन किया, हमने क्या किया, हमने हमेशा कंपोनेंट किस पे निकाले, या तो एक्स पे निकाला या वाई पे निकाला, स्टैंडर्ड था हमारा काम। और ये वैल्यू क्या आती थी, ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, ये किया था हमने क्लास में, जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन की थी, तो ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस या ए कॉस थीटा आई कैप एक ही बात है, पर हो सकता है कि वो आपको कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ना निकालने को कहे, कहां कहे वो कंपोनेंट, कहे बी वेक्टर पे निकालने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप लिख देना कंपोनेंट तो ए कॉस थीटा है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट होता तो आप लिखते अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होता आप लिखते अलोंग वाई एक्सिस, पर यहां पर कंपोनेंट किसके अलोंग है, बी वेक्टर के अलोंग, तो आप क्या लिखेंगे, अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, राइट। तो अगर यहां होता अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो पीछे लगता आई कैप, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो लिखता मैं क्या लिखता जे कैप, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस तो के कैप, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर तो बी कैप। तो ए कॉस थीटा के पीछे डायरेक्शन के लिए क्या लिख दिया मैंने, बी कैप, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, इसको यूज कैसे करना है इसको समझते हैं। इसको यूज करने का तरीका, फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, मान लो इसका नाम है ए वेक्टर, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर ओवर एक्स एक्सिस, तो ये कॉम्पोनेंट मुझे किस पे निकालना है, ओवर एक्स एक्सिस, राइट, क्लियर है यहां तक। तो एक्स एक्सिस पे कॉम्पोनेंट निकालना है, तो इसमें ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस है, तो कॉम्पोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, कॉम्पोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, तो आंसर क्या होगा, ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इस बार एक्स एक्सिस है, तो हमने क्या लगा दिया, ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, आई कैप, तो पीछे क्या लगा दिया मैंने, आई कैप, कोई डाउट इसमें। अब ए कॉस थीटा की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट हेल्प करेगा हमारी, कैसे, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, मुझे क्या चाहिए, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा एक तरफ बी नीचे ले आओ तो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास है आई कैप जे कैप माइनस थ्री के कैप, बी वेक्टर की वैल्यू क्या लें, दूसरा वेक्टर कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में बाय डिफॉल्ट कौन सा वेक्टर लेते हैं, आई कैप, तो बी वेक्टर क्या बन जाएगा यहां पर, आई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई को आई के साथ तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि जे तो और के तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर 1। तो ए कॉस थीटा की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, और डायरेक्शन के लिए क्या लगा हुआ यहां पर, आई कैप, तो आंसर क्या आएगा, 1, आई कैप इज द आंसर। फिर से देखते हैं, फिर से एक बार देखो, फिर आप करना, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, मैंने कहा फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, इसका नाम है ए वेक्टर, किसके ऊपर, ओवर या अलोंग, आई कैप नहीं है, इस बार नया वेक्टर है, तो इस बार ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यूज गिवन है, इस पर एक्स एक्सिस नहीं है, अगर ये एक्स एक्सिस होता तो सिर्फ यहां पर क्या आता, आई कैप, तो यहां पर क्या है, ये वैल्यू है, तो डायग्राम समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर, या ए कॉस थीटा के पीछे क्या लगेगा, बी कैप, कोई डाउट इसमें। ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका सिखाया, ए कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, इस क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों गिवन है, पुट कर लिया डॉट प्रोडक्ट, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट लें आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, और रूट ऑफ 11 सॉल्व करके 8/√11, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, आधा आंसर आ गया ए कॉस थीटा, आधा आंसर निकालने बी कैप, बी कैप कैसे निकलेगा, बी वेक्टर मुझे गिवन है, बी कैप निकालने का तरीका वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर मुझे पता है और मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सॉल्व करके रूट 11 बी कैप आ गया, तो ए कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा, बी कैप की जगह बी कैप, रूट 11 विल बिकम 11 आंसर। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले दो वेक्टर गिवन होंगे, आपने आंसर ए वेक्टर बी वेक्टर कर लिया, और आंसर क्या होगा, ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर,
ए कॉस थीटा बी कैप, इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी, इस फॉर्मूले से, ए कॉस थीटा की और बी कैप की वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो आधा क्वेश्चन यहां से, आधा यहां से, दोनों को उठा के यहां पुट कर देंगे वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, मेथड समझ में आ रहा है? एक बार जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इसको ले ए वेक्टर, इसको ले बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, बनाए कंपोनेंट और वेक्टर बनाए। देखो इसमें क्या करेंगे, फाइंड कंपोनेंट ऑफ, तो इसमें ये रहा आपका ए वेक्टर, ए वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या है, थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये बी वेक्टर थ्री फाइव आई कैप प्लस
जे कैप माइनस के कैप, थीटा ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो ये क्या आएगा ए कॉस थीटा, तो आंसर क्या आएगा ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर की जगह बी कैप। अब हम ये दो अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ए बी कॉस थीटा, हमें चाहिए ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, तो ए इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट, बी वेक्टर की जगह फाइव आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व करके आई को आई के साथ तो क्या फिफ्टीन माइनस वन डिवाइडेड ये कितना है 27, तो 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 27, तो आधा आंसर आ गया। तो ए कॉस थीटा की जगह तो हम लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 27। बी कैप, अब बी कैप में क्या लिखें, बी कैप में अ वेक्टर, ये बी वेक्टर है, तो बी कैप इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो बी कैप इज इक्वल टू फाइव I cap, J cap, minus K cap, divided by B का मतलब under root of 5 का square, 1 का square, minus 1 का square, तो B cap की value आएगी 5 I cap, J cap, minus K cap, divided by under root of 27, यहाँ put करेंगे, तो यहाँ put कर दें 5 I cap, plus J cap, minus K cap, under root of 27, तो रूट 27 रूट 27 27, तो आंसर आ जाएगा जो बचा आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है कंपोनेंट्स का क्वेश्चन, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो होमवर्क दूंगा उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आज हम करेंगे अभी, तो होमवर्क के अंदर फिर से करेंगे ताकि और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, क्या प्रॉपर्टी है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर विल गिव अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था, हमने तो छोटी क्लास में ये सुना कि अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बात खत्म। आपको क्वेश्चन में गिवन होता था कि एक बॉक्स डिस्प्लेस होता है 10 मीटर के साथ और फोर्स की वैल्यू कितनी है इसमें 5 न्यूटन, तो वर्क डन इज इक्वल टू 5 × 10 क्या आएगा 50 आंसर। लेकिन एक्चुअल में अब आप ध्यान से देखें, फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, और मैंने मना किया कि ऐसे खाली वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, या तो बीच में डॉट आएगा या बीच में क्रॉस आएगा। अब कैसे डिसाइड करें डॉट या क्रॉस, क्या निकालने वाले हैं वर्क डन। अब वर्क डन से पूछ लो तू स्केलर है कि वेक्टर, तो वर्क डन बोलेगा मैं क्या, मैं कौन हूं स्केलर, क्यों, क्योंकि एनर्जी भी स्केलर है, क्योंकि एनर्जी के यूनिट जूल है, वर्क डन के यूनिट भी जूल है, मेरी बॉडी में एनर्जी है 10 जूल की, अब उसकी डायरेक्शन थोड़ा दूंगा कहां है, सेल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, डायरेक्शन थोड़ा होती है, तो एनर्जी स्केलर है, तो जितनी क्वांटिटी जूल के साथ एसोसिएटेड है सबकी सब स्केलर है, और अगर स्केलर है तो फिर बीच में क्या लगाना पड़ेगा डॉट। तो ऐसे चेक करते हैं, तो आने वाले टाइम में जितने टॉपिक्स हम करेंगे हम पहले एनालाइज करेंगे कि कौन वेक्टर कौन स्केलर, तो वर्क डन एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो कई अब छोटी क्लास में किया क्या था, एक्चुअल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपकी हमेशा सेम डायरेक्शन में होती थी। अब जितने न्यूमेरिकल आप सोच लें, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एंगल हमेशा क्या बनता था जीरो। ICSE में था एंगल, अच्छा CBSE में एंगल क्या बनता था जीरो, और अगर जीरो बनता था तो F into S into cos of zero which is equal to what one, तो आंसर F into S ही रह जाता है। पर अगर एंगल चेंज हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जैसे कोई बच्चा एक टॉय को खींच रहा है चेन के साथ, तो फोर्स तो लगा रहा है ऊपर
डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है बॉक्स की, हॉरिजॉन्टल, तो एंगल बनेगा इसमें जीरो नहीं बनेगा, एंगल कुछ तो बनेगा 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ तो बनेगा, तो यहाँ पर वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन के अंदर दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। मैं आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देता हूँ 10 न्यूटन, मैं आपको एस का मैग्नीट्यूड दे देता हूँ 5 मीटर, और मैं एंगल दे देता हूँ एफ और एस का, तो आप इसको ओपन कर लेना एफ एस कॉस थीटा आंसर। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, मैं आपको एफ वेक्टर देता हूँ आई जे के में, मैं आपको एस वेक्टर देता हूँ आई जे के में, और आपसे वैल्यू पूछता हूँ वर्क डन की क्या वैल्यू होगी, तो वर्क डन की वैल्यू होगी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो एफ वेक्टर की जगह एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर की जगह एस वेक्टर, कोई कॉस थीटा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स ही गिवन है आई जे के में तो सीधा डॉट लगाओ, और आपको डॉट प्रोडक्ट जब इस फॉर्म में करते हैं आपको एंगल चाहिए ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, सीधा आंसर आएगा 10 जूल। ये ज्यादा बेटर है, आई कैप अगर आई जे के में वेक्टर गिवन है सीधा डॉट प्रोडक्ट लें आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजिशन 2, 1, 3, तो कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो 2, 1, 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, तो कोई बॉडी ए से बी पे जा रही है, तो ए से बी पे जा रही है, और फोर्स वेक्टर हमें पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है वो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमें क्वेश्चन में एस वेक्टर नहीं दिया, हमें क्या दिए हैं कोऑर्डिनेट्स की बने, पर हम मैथ्स के कोऑर्डिनेट्स का काम तो करते नहीं, हम पोजीशन कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट से नहीं, पोजीशन वेक्टर, तो हम पोजीशन वेक्टर कहां से ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर का नाम है आर ए वेक्टर, इसकी आर ए वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखते हैं 2i कैप + j कैप + 3k कैप, तो कोऑर्डिनेट्स देखते हुए पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं समझ में आ रहा है, तो 2i कैप + j कैप + 3k कैप, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है आरबी वेक्टर, आरबी वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप + 3k कैप, आर ए वेक्टर आरबी वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट कहां है ए से बी, तो वेक्टर यहां बनेगा एस वेक्टर, तो ये बताओ इन तीनों वेक्टर में से रिजल्टेंट कौन है, जो पिंक कलर का रेड कलर का वेक्टर है वो अलग सा लग रहा है, नहीं क्या होगा कौन, कितने लोग बोलते हैं आरबी वेक्टर, कितने लोग बोलते हैं आर ए वेक्टर, कितने लोग बोलते हैं एस वेक्टर, और कितने लोग ये सोच रहे हैं कि इनको पता कैसे लग रहा है कि आरबी वेक्टर है, क्लोजिंग साइड ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ में ये दो वेक्टर एक तरफ है और ये क्लोजिंग साइड है, तो आरबी वेक्टर रिजल्टेंट है, तो आरबी वेक्टर इज आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, ये रहा, तो यहां से एस वेक्टर क्या होगा आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, तो समझ में आ रहा है किस, क्योंकि अगर आपने उल्टा कर दिया आर ए माइनस आरबी वेक्टर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आरबी वेक्टर माइनस है आर ए वेक्टर, जो लोग ये डायग्राम बना सकते हैं बना लें, पर ऑब्जेक्टिव के अंदर कितना ही लिख लेंगे, कई लोग एक शॉर्टकट बनाते हैं आफ्टर डूइंग ऐसे कई क्वेश्चन करने, शॉर्टकट बन जाता है, जैसे मैंने किया हुआ है, अगर आपकी बॉडी ए से बी पे जा रही है, ए से बी पे जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए कौन सी पोजीशन है इनिशियल, बी कौन सी पोजीशन है फाइनल, तो मैंने शॉर्टकट याद किया हुआ है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ना मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं ना मैं कुछ और करूं, एक ही लाइन में बस लिख दूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर मेरी बॉडी बी से ए पे आ रही है तो ए क्या बना फाइनल, बी क्या हुआ इनिशियल, तो फिर मैं क्या लिखूंगा एस वेक्टर आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, ये ज्यादा बेटर नहीं है, तो एक मिनट में शॉर्टकट ये रहा, तो आर बी वेक्टर हमें पता है आर ए वेक्टर हमें पता है, दोनों को माइनस कर लिया, माइनस करके एस वेक्टर आ गया, अब वर्क डन की वैल्यू क्या है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर गिवन है, एस वेक्टर हमने निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, आंसर -2 जूल, कोई डाउट इसमें? वर्क डन का मैग्नीट्यूड वो कह रहा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव क्यों है, देखो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, वर्क डन हम जब हम करेंगे पॉजिटिव वर्क डन है जब आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप बॉक्स को धक्का तो इधर मार रहे हो पर एक्चुअल में ग्राउंड में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कहाँ लग रही है ऑपोजिट, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फोर्स व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल का मतलब यहां पर होता है, जैसे सपोज करो ये बॉडी है, ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स मैंने लगाई मान लो 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुई कितनी 5 मीटर, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी इसमें 10 × 5 कितनी 50, आंसर कॉस 0, क्योंकि इनके बीच में कॉस क्या होगा 0। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि इसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रही है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू मान लो 2 न्यूटन है, तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखो फोर्स कहां है लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट कहां है राइट, और एंगल इनके बीच में कितने है कॉस 180, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो कॉस 180 मैथ्स में क्या होता है -1, तो आंसर इज -10। तो वर्क डन बाय अपोजिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, और वर्क डन बाय एक्सेलरेटिंग फोर्स जो आगे लेके जाता है बॉडी को वो पॉजिटिव होता है। ऐसा हम करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है? तो क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस पावर या पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। आपको ये क्या है फोर्स इंटू वेलोसिटी, सुना हुआ आपने? क्या ICSE CBSE का चक्कर है? अच्छा, तो पावर होती क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी। और अगर वेक्टर की बात करें, फोर्स वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर है, तो डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा। पावर से पूछ लो तो क्या है, पावर कहती है मैं तो एनर्जी से बनी हुई हूं, एनर्जी अपॉन टाइम वर्क डन, क्योंकि एनर्जी स्केलर है तो पावर भी स्केलर है, तो फिर क्या लगेगा डॉट, ऐसे डिसाइड कर लेंगे। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो फॉर्मूला याद करेंगे पावर का, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में एफ वेक्टर गिवन होगा, वी वेक्टर गिवन होगा, कहेगा पावर निकाल दो, इनका क्या लेंगे डॉट प्रोडक्ट, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, सीधा आंसर बॉट्स में आएगा, डन, ठीक है यहां तक? और लास्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली प्लस टू की है, मतलब प्लस टू के अंदर यूज होती है, हम ये टॉपिक मैग्नेटिक के अंदर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस कम है, अगर आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, स्कूल के अंदर तो नहीं आता, फिर भी बुक्स में लिखी है तो बता देता हूं। एक टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ये क्यों होता है लंबी स्टोरी है, मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करना चाहता भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, बस फॉर्मूला देख लें, अगर बी वेक्टर गिवन हो एरिया वेक्टर गिवन हो बस डॉट प्रोडक्ट ले लेना, आंसर फ्लक्स का आ जाएगा। पर इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, प्लस वन के अंदर आएगा, प्लस टू में तो ये टॉपिक सिलेबस में ही है तो हो जाएगा, ठीक, तो प्लस वन के अंदर स्कूल में थोड़ा मुश्किल है, तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे ऊपर। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं।